इंडस्ट्री से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है, क्योंकि बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी के पिता का साया उनके सिर पर से हमेशा हमेशा के लिए उठ गया है। एक्टर के पिता पंडित बनारस तिवारी ने इस दुनिया को 99 साल की उम्र में हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है। ये खबर सुनने के बाद तो पंकज त्रिपाठी भी काफी सदमे में है। पंकज त्रिपाठी के पिता ने अपने पैतृक गांव बेलसंड में अपनी आखिरी सांसें ली है। बनारस तिवारी का अंतिम संस्कार आज ही किया जाना है। पंकज त्रिपाठी का अपने गांव के लिए रवाना हो चुके हैं। एक्टर पिता के निधन से काफी ज्यादा दुखी हैं। फिर बात करें एक्टर की, तो एक्टर अपने पिता के बेहद ही करीब थे। अक्सर इंटरव्यूज के दौरान या फिर मीडिया इंटरेक्शन के दौरान भी वो अपने पिता को लेकर बातचीत करते हुए सुनाई देते थे। पंकज त्रिपाठी मुंबई में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं, जबकि उनके माता पिता गाँव में ही रहते थे। पंकज त्रिपाठी को अपने गाँव से काफी ज्यादा लगाव है, यही वजह है कि वो अक्सर अपने गांव से जाते आते रहते हैं। वेल, एक इंटरव्यू के दौरान एक्टर ने बताया था कि उनके पिता को उनकी उपलब्धियों में जरा भी दिलचस्पी नहीं है। पंकज त्रिपाठी ने ये भी कहा था कि उनके पिता सिर्फ एक ही बार मुंबई आए, उन्हें यहाँ की चीज़ें और बड़े बड़े घर और बिल्डिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, यही वजह है कि वो गांव में ही रहते थे। फिर पंकज त्रिपाठी अपने पिता के बेहद करीब थे, लेकिन उन्होंने अचानक से इस दुनिया से अलविदा क्यों कहा? इसके पीछे की वजह अभी तक सामने नहीं आई है कि क्या उन्हें कोई बीमारी थी या फिर कुछ और वजह थी। फिर हमें इंतजार है कि पंकज त्रिपाठी कब इस पर कुछ कहेंगे। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहे फर्स्ट इंडिया चैनल को। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।